जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का वेलकम है विजयपथ एजुकेशन के इस पेड बैच में। सो रीजनिंग में आज हम क्लासिफिकेशन को कवर करेंगे। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक आपको ये सेशन मिलेंगे। आज क्लासिफिकेशन की हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी, जिसमें आज हम कवर करेंगे बर्ड क्लासिफिकेशन को, यानी कि जो शब्दों से संबंधित हमारे वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन हैं उनको आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। सो बने रहें आप विजयपथ एजुकेशन के साथ। और अभी तक आपने अगर पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, नोट्स नहीं बनाए हैं, तो साथ साथ में आप इनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दें। जल्दी ही आपका जो टेस्ट है वो भी पेड क्लासेस में होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। एक एग्जाम्पल जो है वो आपके पास यहाँ पर मैंने दिया है, ये आपको समझना है, फिर ऑटोमेटिकली आपको क्लासिफिकेशन जो है वो समझ में आ जाएगी। ये आपके सभी क्वेश्चन हिंदी में हैं, परंतु मैं इनको बायलैंगुअल फॉर्म में बता दूंगा। जहाँ पर मेरे को ज़रूरत पड़ी है बायलैंगुअल की, वहाँ पर क्वेश्चन आपके पास दोनों ही भाषा में ट्रांसलेट करके गिवन किए गए हैं, दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्लासीफाई करना। क्लासीफाई का मतलब है आपको एक अलग शब्द जो है वो ढूंढना है, यानी कि कोई चार ऑप्शन आपको दिए हैं, उन चारों में से कोई भी मेथड आप यूज करें और उन चार ऑप्शन में से कोई एक वर्ड आपको क्या करना है, अलग ढूंढना है। ये आपका वर्ड की फॉर्म में आ सकता है, नंबर की फॉर्म में आ सकता है, या फिर आपका अल्फाबेट की फॉर्म में आ सकता है। तो देखिए, मैं एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। आज हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं किस चीज को, बर्ड क्लासिफिकेशन को, ठीक है जी। ऐसे ही हमारे पास एनालॉजी का भी आता है पार्ट, लेकिन अभी क्लासिफिकेशन है तो आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए। बर्ड में क्या होगा, चार ऑप्शन आपके पास दिए होंगे, मैं यहाँ पर कोई भी चार ऑप्शन यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा कमल, फिर मैंने लिखा गुलाब, फिर मैंने लिखा चमेली, और उसके बाद मैंने लास्ट ऑप्शन क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया आम। तो ये हमारी एक बर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है, सॉरी बर्ड क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन का मतलब ओड बन आउट, इंग्लिश में इसको ओड बन आउट बोलते हैं, यानी कि चार ऑप्शन में से आपको कोई एक अलग ढूंढना है जो इन चारों के साथ मैच नहीं खाता, जो उन तीनों के साथ सॉरी मैच नहीं खाता। तो देखिए, मैंने ऑप्शन लिखे कमल, गुलाब, चमेली और आम। देखिए, कमल, गुलाब, चमेली जो है ये तीनों एक फूल की वेराइटीज हैं, फ्लावर है, लेकिन आम जो है वो हमारा फ्लावर नहीं है। इसका मतलब ये आम जो है इन तीनों के मैच में नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, आम होगा। तो वैसे ही आज हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला एग्जांपल आपके पास एग्जांपल नंबर वन दिया गया है, भिन्न आपको ज्ञात करना, यानी कि ओड बन आउट आपको ढूंढना है। चार ऑप्शन है, आंख, कान, पैर और त्वचा। तो देखिए, कोई भी एग्जांपल आप यहाँ पर लें और ऑप्शन को थोड़ा सा जज करें कि आंख, कान, पैर और त्वचा में आप कौन सी चीज रिलेट कर सकते हैं, कौन सी चीज रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि एक ही टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा, इसमें जो भी मेथड आप यूज करते हैं, जो भी आपका दिमाग यहाँ पे कहता है कि नहीं ये चीज होनी चाहिए, तो आप उस मेथड को यहाँ पर फॉलो कर ले। तो देखिए, आंख, कान, पैर और त्वचा में क्या आंसर दिया गया है, इसका आंसर क्या है, पैर। पैर अब क्यों है, क्योंकि पैर क्यों है, देखिए यहाँ पर बोला गया है पैर को छोड़कर अन्य सभी ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां का मतलब है हमारी ये सेंसेस हैं, ठीक है जी, सेंसेस हैं। अब इसका राइट आंसर त्वचा भी हो सकता है, क्यों, देखिए आंखें कितनी होती हैं, दो, कान कितने होते हैं, दो, पैर कितने होते हैं, दो, तो त्वचा तो हमारी दो नहीं होती, इसलिए ऑप्शन डी भी हमारा इसका राइट आंसर है। लेकिन ये क्वेश्चन मेजोरिटी के साथ वर्क करता है, त्वचा भी इसका राइट आंसर हो सकता है, लेकिन जो एग्जामिनर है उसने मेजोरिटी के अकॉर्डिंग, मतलब ये जो चार स्पेशल आपके पास वर्ड दिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं पे एक ऐसे वर्ड हैं जिनमें जो सबसे ज्यादा क्लोज आंसर होगा, किस हिसाब से क्वेश्चन बनाया गया है वो चीज आपका सबसे ज्यादा अप्रोक्सीमेटली रहेगा। तो ये सारी की सारी हमारी सेंसेज हैं। आंख से हम क्या करते हैं, देखते हैं, फाइव टाइप की हमारी सेंसेस होती है, कान से सुनते हैं, त्वचा से हम फील करते हैं, तो पैर से तो हमारा कुछ काम नहीं है सेंसेस में, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, सी हमारा राइट आंसर रहेगा। देखिए, अगला है हमारे पास आंख, कान, पैर और फेफड़े। चार ऑप्शन फिर से दिए गए, आंख, कान, पैर और
फेफड़े। तो देखिए आंख कितनी होती है, दो, कान भी दो, पैर भी दो, फेफड़े भी कितने होते हैं, दो होते हैं। तो देखिए ये फिनोमिना तो यहाँ पर काम नहीं करेगा, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या लगाया गया है, बोला गया है आंसर क्या है, फेफड़े। क्यों? क्योंकि आंख, कान और पैर सारे के सारे बाहरी अंग होते हैं और फेफड़े हमें दिखते नहीं है, ये हमारे शरीर के, बॉडी के अंदर हैं, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, भिन्न शब्द आपको फिर से ज्ञात करना है, आंख, कान, ब्रिक और हृदय। ब्रिक का मतलब होता है किडनी, ये मैंने यहां पर लिख दिया, और हृदय का मतलब आपको पता है हार्ट, ठीक है जी। अब यहां पर जो लॉजिक लगाया गया है वो लगाया है जोड़े के रूप में, यानी कि आंखें दो, कान भी दो, किडनी भी कितनी, दो, और हृदय जो हमारा वो सिंपल एक होता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगर मैं इसमें लॉजिक नंबर सेकंड लगाऊं कि मैंने ये बोला था कि आंख, कान जो है वो बाहरी हिस्से हैं, तो किडनी और हार्ट हमारे शरीर के अंदर रहे हिस्से हैं, तो यहाँ पर कोई एक सिंगल ऑप्शन हमारे पास नहीं बच रहा था, इसलिए लॉजिक हमें चेंज करना पड़ा। तो लॉजिक हमने लगाया डबल डबल का, जोड़े के रूप में जो है वो आंख, कान और किडनी पाए जाते हैं, इसलिए हार्ट इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन दिया गया है पेड़, टहनी, पत्ते और जड़, इन चारों में से आपको क्या करना है, कोई एक अलग ढूंढना है। तो देखिए पेड़, टहनी, पत्ते और जड़, क्या इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से आप नोट्स बनाते चलें, साथ साथ में आप लिखते चलें, बस आपको ये क्वेश्चन लिखना है और नीचे क्या करना है, आंसर लिखना है, बस इतना सा आपको नोट्स की फॉर्म में बनाना है, क्योंकि अगर आपको एक इसका बेसिक पोर्शन समझ में आ गया तो आप अप से अप लेवल के क्वेश्चन को भी क्लासिफिकेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास पेड़। अब पेड़ क्यों है, क्योंकि टहनी, पत्ते और जड़, ये तीनों के तीनों जो हैं वो किसके हिस्से हैं, ये तीनों के तीनों किसके हिस्से हैं, पेड़ के हिस्से हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, टहनी छोटी होती है, पत्ते छोटे होते हैं, जड़ छोटी होती है, और पेड़ जो है इन सबको क्या करता है, इकट्ठा करता है, पेड़ जो है वो एक अलग चीज है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है जी। अगला तो देखिए, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लैंड और संस्कृत, ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, क्यों, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या कर देते हैं, वो डी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका राइट आंसर डी नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसका आंसर डी नहीं होगा। ज्यादातर क्या करते हैं, संस्कृत को टिक कर देते हैं, परंतु इसका आंसर डी नहीं है। आप लॉजिक लगाएं, थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, हम क्या करते हैं कि फ्रेंच, जर्मन, इंग्लैंड क्या है, ये कोई देश है और संस्कृत तो कोई देश है नहीं, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर है। लेकिन आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, फ्रेंच हमारा देश नहीं है, फ्रेंच क्या है, फ्रेंच एक लैंग्वेज है, फ्रेंच एक भाषा है। जर्मन क्या है, जर्मनी जो है वो एक देश है, जर्मन जो है वो एक भाषा है, संस्कृत भी क्या है, एक भाषा है, यानी कि तीन ऑप्शन भाषा के हैं। लेकिन इंग्लैंड क्या है, इंग्लैंड एक देश है, तो तीन भाषाओं के ग्रुप में देश का कोई काम नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से भी कई बार लॉजिक वाले क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, टका, पैसा, रियाल और ग्राम, बिल्कुल अभी बेसिक लेवल के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाले हैं, हाई लेवल की एक क्लास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो टका, पैसा, रियाल और ग्राम, तो देखिए टका जो है, टका, पैसा और रियाल, ये तीनों की तीनों जो है वो किसकी है, मुद्रा है, मुद्रा है यानी कि करेंसी है, ये तीनों की तीनों क्या है, करेंसी है। लेकिन ग्राम जो है वो करेंसी नहीं है, वो किसका मात्रक है, वो तो वजन के लिए यूज होता है, तो ये जो चीज है ये क्या आ जाएगी, अलग आ जाएगी, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले दो क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करें, डॉक्टर, रोगी, नाई और हजामत। डॉक्टर जो है, रोगी, नाई और हजामत, हजामत का मतलब होता है शेव करना, जो हम दाढ़ी बनाते हैं, ठीक है, शेव जिसको हम बोलते हैं, तो ये जो है वो शेव है, ठीक है। तो क्या इसका राइट आंसर रहेगा, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। डी क्यों आएगा, क्योंकि डॉक्टर क्या है, डॉक्टर जो है वो एक आदमी है, एक इंसान है, डॉक्टर कौन होते हैं, इंसान ही होते हैं। रोगी यानी कि पेशेंट, वो भी क्या है, एक आदमी होगा। नाई जो बाल काटता है, वो भी क्या है, एक आदमी होगा। तो हजामत तो कोई आदमी है नहीं, इसलिए ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, सेब, केला, अंगूर और गाजर, ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। सेब, केला, अंगूर क्या है, ये तीनों के तीनों क्या है, फ्रूट है, फ्रूट है, और गाजर हमारी क्या है, वेजिटेबल है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है जी, अगला प्रश्न, गाय, जानवर, जेबरा और लोमड़ी, ठीक है, क्या इसका आंसर आएगा? तो इसका आंसर जो है वो आपके पास है, क्या आना चाहिए जल्दी से आप सर्च करें। गाय जो है वो क्या है, एक जानवर है, जेबरा भी क्या है, एक जानवर है, लोमड़ी भी क्या है, एक जानवर है, लेकिन जानवर तो जानवर है इसलिए ऑप्शन बी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है तलवार, भाला, चाकू और बंदूक, इन चारों में से कोई एक अलग आप बताइए। तलवार, भाला, चाकू और बंदूक, देखिए तलवार, भाला और चाकू ये हमारे जो है वो देसी लेवल के, यानी कि नॉर्मली जो पुराने टाइम में यूज होते थे, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक वाली चीज नहीं है इसमें, ठीक है, इनको जो है वो अस्त्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अस्त्र बोला जाता है, यानी कि इंसान इनको ज्यादातर जो है वो हैंडमेड से ही बनाता है, अस्त्र जो कि नॉर्मली हम सभी बना सकते हैं, ठीक है जी। तलवार क्या है, लोहे की किसी भी चीज को हल्का सा आगे से पैना कर दीजिए, भाला भी वैसे बन जाता है, चाकू भी बन जाता है, लेकिन बंदूक जो है वो क्या है, एक शस्त्र की फॉर्म में आती है। बंदूक किस में आती है? शस्त्र की फॉर्म में आती है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए कालीन, रजाई, शाल और कंबल, देखिए क्या इसका आंसर है। कालीन का मतलब होता है कारपेट, जो हम जमीन पे बिछाते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा, कालीन ही होगा। कालीन क्यों होगा? क्योंकि कालीन जो है वो जमीन के ऊपर बिछाया जाता है, रजाई ओढ़ी जाती है, शाल को भी ओढ़ा जाता है, कंबल को भी ओढ़ा जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं ये तीनों की तीनों चीजें ठंड से बचने के लिए यूज की जाती हैं, तो कालीन जो है वो इन तीनों में से क्या है, अलग है, इसलिए इसका राइट आंसर है। ठीक है जी, अगला प्रश्न, राम, सीता, सरिता और गीता। तो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं एक सिंपल सा उदाहरण यहां पर देता हूं। मैंने लिखा राम, सीता, लक्ष्मण, रावण, तो इन चारों में से कौन सा अलग होगा? कुछ बच्चे जो हैं वो आंसर करेंगे राम की ये भगवान है, ठीक है, कुछ आंसर करेंगे रावण की ये जो है वो दैत्य थे, ठीक है जी, राक्षस प्रजाति के थे, और बाकी ये तीनों भगवान की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि कोई भगवान है, रावण को भी पूजा जाता है, राजस्थान में एकमात्र ऐसा पूरे भारत में मंदिर है जहां पर रावण की पूजा की जाती है, श्रीलंका में रावण को ही भगवान माना जाता है, ठीक है जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सीता। अब सीता क्यों? क्योंकि राम, लक्ष्मण और रावण जो है वो तीनों के तीनों जो है वो किसी मेल के नाम है, आदमी के नाम है, और सीता जो है वो किसी एक लड़की का नाम है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सीता जो है इसका राइट आंसर है। वैसे ही आपको यहां पर ढूंढना है राम, सीता, सरिता, गीता, गीता किसी लड़की का नाम है, सरिता किसी लड़की का नाम है, सीता किसी लड़की का नाम है, इसलिए बचा कौन, राम बचा, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है जी, अगला प्रश्न है, बर्फ, पानी, दूध और भाप। तो देखिए बर्फ, पानी और भाप ये तीनों जो है वो एक स्टेट है, पानी की एक स्टेट है, ये सॉलिड में आता है, ये सॉलिड में, ये लिक्विड में, और ये किस में आता है, गैस में आता है, और दूध जो है ये पानी की फॉर्म नहीं है, बाकी तीनों पानी की ही फॉर्म है, ठीक है, तो दूध जो है वो क्या हो जाएगा, अलग, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है जी, आगे लखनऊ, कोचीन, हैदराबाद और चेन्नई। तो देखिए लखनऊ जो है वो राजधानी है, लखनऊ क्या है, किसी की कैपिटल है, आप कमेंट करके बताएं किसकी कैपिटल है, हैदराबाद भी क्या है, कैपिटल है, राजधानी है, चेन्नई भी क्या है, कैपिटल है, राजधानी है, लेकिन कोचीन जो है वो हमारी राजधानी नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर, शब्द, वाक्य और भाषण, जल्दी से बताएं, सोच के थोड़ा सा कि क्या इसका राइट आंसर है, बिल्कुल इजी वे में मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, आपको चार ऑप्शन में से कोई एक अलग ऑप्शन ढूंढना है। तो देखिए अक्षर, शब्द और वाक्य ये सारे के सारे जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, भाषण के ही अंडर आते हैं, भाषण का मतलब होता है चार पांच पेजों वाला, अक्षर छोटी सी चीज है, शब्द बिल्कुल छोटी सी चीज है, वाक्य बिल्कुल छोटी सी चीज है, जैसे कि मैंने लिखा आर, तो ये क्या बन गया, अक्षर बन गया, ये राम लिख दिया तो शब्द बन गया, राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, तो ये क्या बन गया, वाक्य बन गया, लेकिन भाषण का मतलब क्या है,
कि पूरे पेज में ही आप क्या लिख दे, राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, मतलब कि 400-500 वर्ड का जब आप कोई चीज लिखते हैं तो वो भाषण बन जाता है। इसलिए भाषण क्या है इन सभी में से अलग है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, देखिए, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका और भारत, क्या इसका राइट आंसर रहेगा? एशिया जो है वो क्या है, एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, आपको पता होना चाहिए। कोई भी लॉजिक आप लगाएं इसमें सबसे ज्यादा आपका लॉजिक लगेगा आपके जीके का, ठीक है जी। जनरल अवेयरनेस जितनी आपको ज्यादा होगी तभी आप इस क्वेश्चन को क्लियर कर पाएंगे। तो एशिया क्या है, एक महाद्वीप है, अमेरिका भी क्या है महाद्वीप है, अफ्रीका भी क्या है महाद्वीप है, लेकिन भारत क्या है, एक देश है। इसलिए भारत जो है वो सबसे क्या है यहाँ पर अलग है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्याज, आलू, लहसुन, टमाटर, देखिए प्याज, आलू, लहसुन, टमाटर सारी की सारी क्या है, सब्जियां हैं, तो फिर सब्जियों वाला लॉजिक तो लगेगा नहीं, कोई और लॉजिक लगाइए। तो देखिए प्याज, आलू, लहसुन जो है ये कहाँ पर उगते हैं, जमीन के नीचे उगते हैं, कहाँ पर उगते हैं, जमीन के नीचे, लेकिन टमाटर जमीन के ऊपर उगता है, इसलिए ऑप्शन डी क्या है इसका भी राइट आंसर है। देखिए अगला, लोहा यानी कि आयरन, इंग्लिश में बता रहा हूँ, पारा यानी कि मरकरी, सोना यानी कि गोल्ड और चांदी सिल्वर, तो कौन सा इसका ऑप्शन जो है वो अलग होगा? लोहा, पारा, सोना, चांदी, साइंस के फॉर्म में आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है यहाँ पर। अब देखिए लोहा, पारा, सोना, चांदी या फिर आयरन, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी की सारी क्या हैं, मेटल्स हैं, ठीक है जी। तो मेटल वाला फिनोमिना तो लगेगा नहीं। लोहा, सोना और चांदी ये सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो कि थर्मामीटर में यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला, पारा, लोहा, हीरा और सोना, अब क्वेश्चन यहाँ पर चेंज हो गया। तो देखिए पारा जो है वो तो लिक्विड है, लोहा सॉलिड है, हीरा सॉलिड है, सोना सॉलिड है, तो इसका आंसर फिर पारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं किसी ना किसी एक एक फिक्स पैटर्न में दिए गए हैं, आप हर बार एक पैटर्न नहीं लगा सकते। सबसे पहले मेजोरिटी, जिसके साथ मेजोरिटी जाती है वो जी पैटर्न आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसका आंसर वैसे पारा हो सकता है लेकिन पारा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि लोहा, सोना और पारा ये सारे किस में आते हैं, मेटल में आते हैं, लेकिन हीरा जो है वो मेटल में नहीं आता, वो किस में आता है, नॉन मेटल में आता है, इसलिए मेजोरिटी नॉन मेटल के साथ जाएगी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, कॉपी, पेन, पेंसिल, बॉल पेन, बिल्कुल सिंपल सा है। पेन, पेंसिल और बॉल पेन किस लिए आते हैं, किसके काम आते हैं, लिखने के काम आते हैं, लेकिन कॉपी के ऊपर लिखा जाता है, कॉपी अलग है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। झोपड़ी, घर, दफ्तर और बंगला, देखिए झोपड़ी में रहते हैं, घर में रहते हैं और बंगले में भी रहते हैं, लेकिन दफ्तर में हम क्या करते हैं, दफ्तर जो है वो एक आवास स्थल नहीं है, दफ्तर में ड्यूटी दी जाती है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है जी। अगला फिर से उसी तरीके वाला क्वेश्चन है, ठीक है जी, किताब, कागज, पेंसिल और पेन, तो हाँ अब बिल्कुल सही वाला प्रश्न जो है वो आपके पास यहाँ पर आया है। देखिए किताब, कागज, पेंसिल और पेन, देखिए पेंसिल और पेन जो है तो वो तो लिखने के काम आते हैं, किताब पढ़ने के काम आती है और कागज के ऊपर लिखा जाता है, ये लिखने के काम आता है। तो देखिए चारों के चारों ऑप्शन क्या हो गए, अलग अलग हो गए, तो कोई अनदर लॉजिक आप लगाइए। देखिए कागज, पेंसिल और पेन जो है ये किसके पार्ट हैं, ये एक स्टेशनरी के पार्ट है, किसके पार्ट है, स्टेशनरी के पार्ट है, लेकिन किताब जो है वो ऐसे स्टेशनरी में काउंट है नहीं की जाती। स्टेशनरी का मतलब होता है जो डेली चीज में आप यूज करते हैं, रबर, शॉर्पनर, फिर पेंसिल आ गया, पेन आ गया, कागज आ गई, ठीक है, आपकी कागजों से बनी कॉपी आ गई, ठीक है, कागजों से बनी इसलिए बोली क्योंकि जो एक फिक्स कॉपी है वो हमारी स्टेशनरी में एज अ काउंटर नहीं की जाती है, वो कागजों वाली कॉपी उसको कहा जाता है, ठीक है जी। और किताब जो है वो स्टेशनरी का एक पार्ट है, वैसे तो है लेकिन रीजनिंग की फॉर्म में हम उसको स्टेशनरी का पार्ट नहीं मानेंगे, इसलिए ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला है सूर्य, चंद्रमा, तारे और ब्रह्मांड,
ये चीज आपको बताना है। तो देखिए, सूर्य, चंद्रमा और तारे, चारों के चारों ऑप्शन अलग हैं। ना तो इनमें से कोई ग्रह की बात की गई है, ना तो उपग्रह की बात की गई है, ना तो स्टार की बात की गई है, ये ना तो बड़े छोटे के ऊपर बात की गई है। तो सूर्य, चंद्रमा और तारे, ये तीनों किस में आते हैं? ब्रह्मांड में आते हैं। यानी कि ब्रह्मांड जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ऊपर वाले का कौन सा था? ऑप्शन ए राइट आंसर था। ठीक है जी, अगला प्रश्न। छात्रावास, होटल, सराय और घर। छात्रावास का मतलब होता है होस्टल। ठीक है जी, तो आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा। छात्रावास, होटल, सराय और घर। देखिए, छात्रावास में भी रहना है, होटल में भी रहना है, सराय में भी रहना है, घर में भी रहना है, लेकिन लॉजिक कोई और आपको लगाना पड़ेगा। छात्रावास, होटल और सराय, ये सारे रहने के स्थल तो हैं, लेकिन ये टेम्परेरी फॉर्म में है। आप ये नहीं बोल सकते कि परमानेंट में यहीं पे रहूंगा। हॉस्टल में हम परमानेंट नहीं रह सकते, साल डेढ़ साल रहेंगे। हॉस्टल में भी कम से कम 10 दिन 20 दिन, आप ऐसा तो नहीं कि पूरा जीवन हॉस्टल में रह देंगे। सराय का मतलब होता है धर्मशाला है, तो वहां पर भी हम पूरा पूरी जिंदगी नहीं काट सकते। लेकिन घर जो है वो हमारा क्या है? एक परमानेंट चीज है, परमानेंट चीज है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है अनानास, संतरा, टमाटर, केला। बिल्कुल इजी है, बाकी तीनों फ्रूट हैं, लेकिन टमाटर क्या है? सब्जी में काउंट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, केरल, कर्नाटक, पंजाब और जम्मू। ये भी काफी इजी है। केरल, कर्नाटक, पंजाब, ये सारे के सारे क्या हैं? राज्य हैं। क्या हैं? राज्य हैं। लेकिन जम्मू क्या है? अब यूटी है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जम्मू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला, प्याज, टमाटर, आलू, गाजर। तो देखिए, प्याज, टमाटर, आलू, गाजर हैं तो सारे क्या? सब्जियां। तो सब्जियों का फॉर्मेट नहीं लगेगा, कोई और फॉर्मेट लगाइए। तो प्याज, आलू और गाजर, ये कहां उगते हैं? जमीन के अंदर। लेकिन टमाटर कहां उगता है? जमीन के बाहर, इसलिए ऑप्शन बी क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है जी, अंतिम प्रश्न है आज की इस क्लास का। आई होप आपको क्लास समझ में आई है। इसी प्रकार के जो हमारे बेसिक क्वेश्चन थे वो हमने कवर किए। अब इसके बाद आपको जो है वो इसकी हार्ड क्लास मिलेगी, साथ में जो इसके अनदर टाइप हैं, जो कि हमारे नंबर और अल्फाबेट के ऊपर आधारित क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन होंगे, उनको हम कवर करेंगे। इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर करें जनवरी, फरवरी, जुलाई, दिसंबर। तो देखिए, जनवरी में कितने दिन? 31 दिन। फरवरी में 28 या फिर 29 दिन। जुलाई में 31 दिन, सितंबर में भी 31 दिन। तो इसका मतलब क्या है? कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा फरवरी मंथ। तो फरवरी जो है इसका राइट आंसर है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हमारा क्लासिफिकेशन का टॉपिक है, उसमें हमारा कोई एक फिक्स मेथड जो है वो वर्क नहीं करेगा। आपको पता है, अगर मैं कोई सीरीज का क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे कि 1 है 2 है 3 है 4 है, आगे मेरे को बताना, तो हर बार मेरे को क्या करना पड़ता है? गैप निकालना पड़ता है। किसी में +2 का गैप है, किसी में +1 का गैप है, किसी में +6 का गैप है, किसी में प्लस का गैप है, किसी में माइनस का, किसी में स्क्वेयर का, किसी में क्यूब का, इसी तरीके से गैप हमारा चलता है। ठीक है, लेकिन पैटर्न हमारा क्या है? वो हर बार क्या होता है? चेंज होता रहता है। यानी कि किसी में -10 होंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि अगर हमारा ये क्वेश्चन 1 2 3 4 वाला है, और एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ जैसे कि 5 10 15 20, इस तरीके से, तो आपका हर बार नहीं है कि आपका यहाँ पर +1 +2 +3 चलेगा, ऐसा नहीं है। हर बार पैटर्न क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। वैसे ही क्लासिफिकेशन आपका एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर दुनिया भर के मेथड जो है वो आपको यूज करने पड़ेंगे। आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, कॉन्फिडेंस है, इंटरेस्ट है, ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी? एनहांस होंगी, सारी की सारी चीजें बढ़ोतरी में जाएंगी। क्योंकि जब आप अपने दिमाग का यूज करेंगे, लॉजिक का यूज करेंगे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 101% निकलेगा। एक क्वेश्चन जो था, जो कि मैंने आपको बताया, ज्यादातर बच्चे जो है वहां पर गलत करते हैं, ये वाला प्रश्न है। ये वाला प्रश्न आप एक बार जरूर चेक करके देखें, कि या फिर आप किसी जो आपका अगर कोई फ्रेंड है उसको भी आप ये दे सकते हैं। ज्यादातर बच्चे इसका जो राइट आंसर करेंगे वो क्या करेंगे? ऑप्शन डी करेंगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं कि 100 में से जो है लगभग 70 बच्चे ऐसे होंगे जो जल्दबाजी में
आंसर क्या लिखेंगे, ऑप्शन डी लिखेंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर भाषा की बात बोली गई है, कहाँ पर देश की बात बोली गई है। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई है, साथ साथ में नोट्स आप बनाते चलें। जल्दी ही एक नई क्लास के साथ मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय हिमाचल।